हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं शेंडी लर्नम। आज जो है डीसीए वालों की जो है थर्ड पेपर है, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं जो डीसीए का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन जो असेसमेंट हो रहा है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, आज उनका जो है तीसरा पेपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 17/6/2023 करके यहाँ पे टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर इन ऑफिस 1 करके दिया हुआ है, जिसमें आज इनका जो एग्ज़ाम होने वाला है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का। तो ये दो जो टॉपिक है इनका जो है इनमें एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना लॉगिन पेज में आ जाना है। लॉगिन पेज में आने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी फिलअप कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड को इंटर कर लिया है। इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको लॉगिन में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, आपका जो होम पेज है इस तरीके से खुलकर आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वेलकम बैक करके आपका नाम लिखा हुआ आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपकी बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लॉगिन पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके सीधे ही लॉगिन कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, अर्थात ये जो डीसीए का एग्ज़ाम आज होने वाला है। तो चलिए हम इसमें क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सभी सब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, जितने भी आपका डीसीए में सब्जेक्ट है उतना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर देखिए, जिस एग्ज़ाम का आज आपका जिस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, आपको उसमें से आपको चयन कर लेना है। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आपका कंप्यूटर ऑफिस 1 का है तो आप ऑफिस 1 कर सकते हैं, अगर ऑफिस 2 का है तो ऑफिस 2 कर सकते हैं। ऑफिस यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें क्लिक कर लेना। तो जिसका भी आपका एग्ज़ाम है, अगर आपका टैली का है तो टैली, अगर प्रोग्रामिंग सी का है तो सी, अगर कहीं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात DBMS विथ एक्सेस का है तो आप इनका इसमें क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, ये जिसमें भी है आपका एग्ज़ाम, उसको आपको क्लिक कर लेना है। तो मेरा जो आज का एग्ज़ाम है वो ऑफिस 1 का है, तो चलिए दोस्तों ऑफिस 1 में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अटेम्प्ट क्विज़ दिखाई देगा, आपको अटेम्प्ट क्विज़ में क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो एग्ज़ामिनेशन तिथि है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप जो है एग्ज़ाम को 3 अटेम्प्ट में दिला सकते हैं। यहाँ पे जो है देखिए, टाइम जो लिमिट है 1 आवर्स का है। अगर जैसे ही आपने स्टार्ट किया तो आपका जो टाइमर चलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, मैं अटेम्प्ट क्विज़ में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, स्टार्ट अटेम्प्ट करके आ गया है। इसमें जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारा जो टाइमर है यहाँ पर देखिए चलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करके दिया हुआ है, ये आपका क्विज नेविगेशन है। और यहाँ पे देखिए आपका टाइमिंग जो है चल रहा है, अभी जो है मेरे पास आधे घंटे बचा हुआ है, देखिए 28 मिनट दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसमें जो क्वेश्चन के आंसर है वो सही है, यह हम दावा नहीं करते हैं। ये जो है नए बच्चे हैं जो डीसीए पीजीडीसीए का एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से दिलाया जाता है, ये हमेशा देखते रहते हैं या पूछते रहते हैं, उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है सभी क्वेश्चन का आंसर सही है, ये हम दावा नहीं करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर टूल कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। एक्चुअल में जो होता है स्टैंडर्ड टूल बार 2003 ऑफिस का है, तो जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं सीवी रमन यूनिवर्सिटी में 2003 ऑफिस का ही आता है। तो आप जो है 2003 ऑफिस का पढ़िए अच्छे से, जो है 7 है या 10 है या 16 है या 19 है, इनका पढ़ने से आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये लेटेस्ट है और आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओल्ड से पूछा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार से आता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, एक दस्तावेज में एमएस वर्ड टेबल में अधिकतम कितने कॉलम शामिल किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने 63 यहाँ पर टाइप किया है। अगर आपको कहीं पर इसमें गलत लग रहा है तो आप क्लियर माई चॉइस में क्लिक कर सकते हैं और वापस ऐसे 35 कर सकते हैं, या क्लियर माई चॉइस करके वापस से आपको 65 कर लेना है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों। तो इस तरीके से आपको पहले क्लियर माई चॉइस करना होगा, उसके बाद आपको दूसरे ऑप्शन का ऐसे चयन करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फुटर में पृष्ठ संख्या में डालने पर एक दिखाई देता है, लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, पेज नंबर फॉर्मेट टूल पर क्लिक करें और आवश्यक सेटिंग निर्देश करें, उसके बाद जो है आपका हो जाएगा। देखिए गटर मार्जिन क्या होता है, तो गटर मार्जिन जो मुद्रण के दौरान पृष्ठ की बेंडिंग साइट में जोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई रसीद वगैरह होता है, आपस में बेंडिंग चिपका हुआ रहता है, तो वो जो चिपका हुआ भाग होता है उसी को गटर मार्जिन कहा जाता है। चलिए पांचवें नंबर की हम क्वेश्चन देखते हैं, आप कैसे वर्तमान कॉलम तोड़ सकते हैं और परंतु एक नए कॉलम शुरू कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो वर्तमान कॉलम है उसको तोड़ने के लिए आपको प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो है, एक्सेल वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का आकार जो होता है वो 10 पॉइंट का होता है, हमेशा जो है दोस्तों आपका बाय डिफ़ॉल्ट 10 पॉइंट का ही होता है। चलिए सातवां नंबर का ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सा विकल्प इंसर्ट टेबल ऑटो फिट व्यवहार में उपलब्ध नहीं होता है? तो ये जो है ऑटो फिट टू विंडो जो है उपलब्ध नहीं होता है। कंट्रोल पी की मदद से दोस्तों देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बहुत सरल ही क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कंट्रोल प्लस इंट का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने के लिए, मान के चलिए कि आपका कर्सर यहाँ पे एम मू लिखा हुआ तो इसके एम में है, तो अगर आप कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट के आपके अंत में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा समांतर शैली कॉलम बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्मेट कॉलम होता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एक एक करके आपके सभी आंसर में जो है आपको टिक लगा लेना है। देख सकते हैं 12 नंबर, यहाँ पे आप 13 नंबर देख सकते हैं, देखिए 14 नंबर देख सकते हैं, ये 15 नंबर देख सकते हैं, 16 नंबर देखिए दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है, 17 नंबर भी देख सकते हैं, 18, 19, तो ऐसे ही करके सभी में आपको क्या कर लेना है, एक एक करके टिक लगा लेना है। अगर कोई भी आपको गलत लगता है तो उसको वापस से क्लियर माई चॉइस में आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने सभी में जो है एक एक करके जो है यहाँ पे टिक लगा लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक डेमो क्लासेस है दोस्तों, इसमें जो है आंसर सही हो इसका हम जो है दावा नहीं करते हैं, आपको बार बार हम जो है यह चीज़ बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम स्केल प्रतिशत क्या होता है? तो चलिए दोस्तों इसको मैं रहने देता हूँ खाली, इसको आगे चल के बताएंगे अच्छे से आपको। देखिए ये 46, 47 जितना भी दिया हुआ है सब जो है यहाँ पे फिलअप हो चुका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैंने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब चलिए मैं फिनिश अटेम्प्ट में क्लिक करूँगा। जैसे ही फिनिश अटेम्प्ट में हम क्लिक करते हैं, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, सर्वर का भी काफ़ी प्रॉब्लम आता है, तो आपको यह चीज़ ध्यान देना है कि भाई सर्वर का तो इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्वर का प्रॉब्लम की वजह से जो है आपका क्वेश्चन जो है टिक लगने से भी छूट जाता है। देखिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 45 नंबर की क्वेश्चन है वो छूटा हुआ है। अगर हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो भी 45 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए नॉट येट आंसर्ड करके लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे 45 में क्लिक कर लेना है, या यहाँ से आपको 45 नंबर में आपको ऐसे क्लिक कर लेना है, तो फिर आपका जो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं 45 नंबर की बॉक्स में क्लिक कर लेता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो 45 नंबर की जो बॉक्स है वो खुल कर आ गया है, और इसमें जो है अनटिक लगा हुआ है, इसमें किसी भी तरह का कोई आंसर में टिक नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे ही आप कहीं पर भूल गए हैं कोई बॉक्स को फिलअप करने के लिए, तो उसको आप वापस से टिक मार्क लगा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस
स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम स्केल प्रतिशत क्या होता है, तो ये जो होता है 200% होता है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको सबमिट करने के बाद वापस से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे फिनिश अटेम्प्ट में क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फिनिश अटेम्प्ट में क्लिक करेंगे, वापस से जो आपका क्विज नेविगेशन है वो जो बॉक्स है वो भरा है कि नहीं भरा है, इसको आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है दोस्तों। अगर आपका जो है उसमें फिलअप नहीं हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि कोई ना कोई जो क्वेश्चन नंबर दिखाई दे रहा है उसको आप टिक मार्क लगाने से भूल गए हैं, उसमें जो है आप वापस से क्लिक करके उसको फिर से फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी बॉक्स जो है मेरा फिलअप हो चुका है, अगर कहीं नहीं हुआ है तो आप उसमें वापस से क्लिक करके आप लगा सकते हैं। चलिए फिर हम नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आते हैं तो हमको देखिए दोस्तों दो ऑप्शन मिलता है, एक जो है रिटर्न टू अटेम्प्ट दिया हुआ है, ये रिटर्न अटेम्प्ट में करेंगे तो वापस से सभी क्वेश्चन जो है आपके खुल जाएंगे, लेकिन आपका टाइमिंग यही रहेगा, ये जो फिलअप हुआ है वो गायब नहीं होता, जिसमें जैसा फिलअप है वैसे ही है। अगर आप मिलान करना चाहते हैं तो या फिर बैक भी कर सकते हैं, आपका आंसर सही है कि नहीं, अगर किसी को बदलना है तो रिटर्न टू अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सभी ऑप्शन जो आप दिए हैं आंसर वो सही है तो आप सबमिट ऑल एंड फिनिश में क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं वंस यू सबमिट यूअर आंसर यू वॉन्ट बी एबल टू चेंज थीम, तो यहाँ पे जो है आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ बचा रहेगा तो वो यहाँ पे दिखाई देता है, तो अभी कोई भी आंसर जो है नहीं बचा है, हमने सभी को सबमिट कर लिए हैं। जैसे ही सबमिट में क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो है डन रिसीविंग अ ग्रेड करके आ गया, डन रिसीविंग अ पासिंग ग्रेड करके आ गया है, और ये जो आज का आपका जो पेपर है वो संपन्न होता है। अगर आप री अटेम्प्ट कर देते हैं री अटेम्प्ट तो आपका जो क्वेश्चन है वो वापस से नया वाला खुल जाता है और आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करना है, अगर आपको कहीं री अटेम्प्ट कर भी लिए हैं तो आपको वापस से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा दोस्तों, तभी आपका क्वेश्चन या जो पेपर है उसको पूर्ण माना जाएगा। नहीं तो आप री अटेम्प्ट में छोड़ दिए तो आपको जीरो नंबर भी मिल सकता है। और यहाँ पे जो आपको रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहे हैं इसको आपको क्या कर लेना है, आपको नोट करके रख लेना है, या आपके जो सेंटर है या संस्था है वहाँ पे मांगते हैं तो इसको आपको नोट करके रख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पहले से ही आप सब्सक्राइब हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।